एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, पितृ दोष को ज्योतिष शास्त्र में एक अहम दोष माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी के पितृ या पूर्वजों के दाह संस्कार में कुछ गलती रह गई हो या उनके मृत्यु उपरांत के विधि विधान में कुछ क्षति रह गई हो तो पितृ अतृप्त रहते हैं और हमें कुछ परेशानी आ सकती है। कोई भी कुंडली में सूर्य, चंद्र, शनि और राहु, इन चार में से दो ग्रह एक ही स्थान में बैठे हुए हैं तो वह पितृ दोष का सूचन करता है। लेकिन आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं, या फिर आप पितृ दोष की वजह से पीड़ित हो रहे हो या नहीं, ये जानना हर किसी के लिए बिना ज्योतिष की सलाह के संभव नहीं है। आज मैं कुछ ऐसे संकेत के बारे में चर्चा करूंगा, जिसको जानकर आप घर बैठे ही ये तय कर पाएंगे कि आप पितृ दोष से पीड़ित है या नहीं। सबसे पहला संकेत है, अगर घर में परिवार के सभी सदस्यों के बीच क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वह पितृ दोष का संकेत करता है। आपके घर में सभी तरह की प्रपन्नता के बावजूद दैनिक जीवन कष्टमय रहता है तो वह सूचना देता है कि आप पितृ दोष की वजह से पीड़ित हो रहे हो। संपूर्ण योग्यता के बावजूद विवाह होने में विलंब हो रहा है तो ऐसा संभव है कि आपके पितृ अतृप्त है या फिर उनकी आगे की गति में कुछ बाधाएं आ रही हैं। अगर किसी दंपति को संतान प्राप्ति में ज़्यादा विलंब हो रहा है या फिर गर्भ ठहरता नहीं है तो वह सूचित करता है निश्चय आप पितृ दोष से पीड़ित रहे। यदि कोई परिवार दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है या फिर वह परिवार में आए दिन बंटवारा होता रहता है तो वह सूचित करता है कि वह परिवार पितृ दोष से पीड़ित है। अगर किसी के घर में पेड़ या पौधा जल्दी से पनपता नहीं है, सूख जाता है, तो वह भी पितृ दोष का सूचन करता है। यदि परिवार के ज़्यादातर सदस्य बार बार अस्वस्थ रहते हो और रोग का या बीमारी का कुछ पता भी नहीं चल रहा हो तो वह भी सूचित करता है कि यह परिवार पितृ दोष से पीड़ित है। सबसे पहला उपाय है, आपको अपने घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार में अपने स्वर्गीय पितरों की फोटो रखनी है। इस फोटो को माला चढ़ाए और नित्य उसकी पूजा और स्तुति करें। ऐसा करने से आपकी ज़्यादातर समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएगी। जानते हैं दूसरा उपाय, आपके स्वर्गीय पितरों की नर्वाण तिथि या पुण्यतिथि पर भोजन अवश्य करवाएं। और याद रहे, इस भोजन सामग्री में वही चीज़ हो जो उन पितरों को ज़्यादा पसंद हो। तीसरा उपाय, एक कलश में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा काला तिल डाल दीजिए। ये कलश हर रोज़ पीपल के पेड़ को चढ़ाने से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपकी सभी समस्या हल हो जाएगी। चौथा उपाय, आपके घर की दक्षिण दिशा में नित्य सायंकाल में या सूर्यास्त के समय पर दीप अवश्य जलाएं। इससे
आपके पितृ आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। पांचवा उपाय है, यह उपाय आपको सोमवार के दिन प्रयोग करना है। सोमवार के दिन नंगे पैर बिना जूता या चप्पल पहनकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर 21 बिल्व पत्र से और 21 आंख के पुष्प से शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार तक यह प्रयोग दोहराने से आपके पितृ आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। छठा उपाय है, चलते हुए राहगीरों को शीतल जल पिलाने की व्यवस्था करें। इससे पितृ तृप्त होकर आपको शुभ फल अवश्य देंगे। आइए जानते हैं आखिरी उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल और बरगद के पेड़ लगाइए। पीपल और बरगद के पेड़ पितरुओं को शांत करते हैं। इससे आपकी सभी समस्या जल्द ही हल हो जाएंगे। आपको जीवन में कभी भी पितृ दोष परेशान नहीं करेगा। हमेशा आपको आपसे उम्र में बड़े लोगों का सम्मान और आदर करना है। हो सकता है तो उनकी सहाय और सेवा कीजिए। ऐसा करने से आपको पितृदोष आएगा ही नहीं, और अगर पितृदोष है तो भी उसकी कनिष्ठ असर बहुत कम हो जाएगी। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।